हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जहाँ तक मैं आपको एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में हम आर्डर कैसे टाइप करते हैं या आर्डर कैसे लगाते हैं, उसके लिए जैसे आर्डर टाइप में है, सामान ट्रेड के लिए हम केवल एक मार्केट में आर्डर करते हैं जहाँ हम किसी दिए गए मूल्य पर खरीदते या बेचते हैं। इसके साथ साथ जो है आर्डर के कई प्रकार हैं, जैसे लिमिट आर्डर है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप आर्डर है या टेक प्रॉफिट है। तो वहाँ पे हमें जैसे कोई भी मूल्य है लिमिट आर्डर में लेना है, तो वहाँ पे हम बाय लिमिट करके वर्तमान मूल्य के नीचे खरीदेंगे, और सेल लिमिट लगा के जहाँ पर जो हमारी करंट प्राइस चल रही होती है उसके ऊपर हम बेचते हैं। तो ये होता है लिमिट आर्डर। अब स्टॉप आर्डर के बारे में हम जानेंगे। जैसे स्टॉप आर्डर है तो बाय स्टॉप में लगाना, तो ये हम अपने जो है मौजूदा कीमत के ऊपर खरीदेंगे और सेल स्टॉप में मौजूदा कीमत के नीचे। तो ये होते हैं हमारे स्टॉप आर्डर। और जहाँ पर एक होता है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि हमें अपने घाटे को सीमित करना होता है, इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे 20 पाइप का या 30 पाइप का या 50 पाइप का, जितना भी हमारी क्षमता होती है रिस्क लेने की, तो वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसके साथ साथ फिर हम टेक प्रॉफिट को भी लगाते हैं, जो निर्धारित लक्ष्य होता है हमारा, चाहे 20 पाइप का हो, 30 पाइप का हो, 50 पाइप का हो, 100 पाइप का हो, उसके हिसाब से हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं। इसके साथ साथ हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जो फॉरेक्स मार्केट में टाइम फ्रेम होता है, या फिर कोई भी मार्केट हो, हर अपना अपना सबका टाइम फ्रेम होता है। किस टाइम फ्रेम को आपको करना है, पोजिशनल करना है, स्विंग करना है, ट्रेडिंग जो है स्क्लैपिंग करना है, तो ये अपने अपने टाइम फ्रेम होते हैं, और टाइम फ्रेम का यूज करके ही हम इसको देखते हैं मार्केट। तो जैसे 5 मिनट का है, 1 मिनट का है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, 1 घंटे का है, 4 घंटे का है, 1 वीक का है, 1 डे का है एंड 1 मंथ का है। तो ये हमारे टाइम फ्रेम है, इसी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं या स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सारे हैं। और हमें जो है टाइम फ्रेम यूज कैसे करते हैं ट्रेड लेने के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे या यूज करते हैं। तो जैसे WDH1 और M5, वीकली, डेली, 1 आवर और 5 मिनट, ये हमारे जो है किसी भी आर्डर को, जैसे वीकली हमें लेना है टेक प्रॉफिट या, तो वहाँ पे साप्ताहिक क्षेत्र में दैनिक सीमा पर हम दिशा परिवर्तन देखते हैं कि हमारी दिशा किस तरह जा रही है, बाई जा रही है, सेल जा रही है, इस हिसाब से हम देखते हैं। उसके बाद प्रेसाइज जोन इन 5 मिनट, हमें जो एंट्री लेने होते हैं तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। इसके बाद हमारा जो है DDH1 M5, मतलब दैनिक जोन में अगर हम देखते हैं, तो दैनिक क्षेत्र में दैनिक समय सीमा पर दिशा परिवर्तन में देखते हैं। उसके बाद हमें अगर एंट्री लेना होता है तो हम फिर H1 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चार्ट देखते हैं। और एंट्री अगर लेनी है हमें, मान लिया इस पोजीशन पे